अब वो बताए, वो बताएगी फिर ये लेगा। सही है भाई, अर्धांगनी को भाई। हाँ अब तो अर्धांगनी है, वो वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है भाई। इसका पूरा फायदा बचपन में उठाया जाता है। दोनों तो कपड़े भी डाल रखे थे, कुछ भी लड़ाई होगी उनकी, तीन बोल हुई है, वो कह रहा कि चार हो चुके हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कौशिक दी ट्रैवलर में। और आज के दिन की शुरुआत सुबह के 11:13 के साथ, सॉरी, तो भाई आज के दिन के साथ हम जा रहे हैं कैथल, क्योंकि आपको सबको पता है कि संगम भाई की और ये शादी, तो उनकी शॉपिंग चली हुई है रेगुलर। और नितिन भाई भी आए हैं शॉपिंग के लिए। मैं भी काफ़ी दिन तक मामा जी के घर पर बिजी था, तो वहाँ पर काम बहुत थे मामा जी के घर पर, तो वहाँ आया नहीं हफ्ते तक, हफ्ते भर कुछ काम नहीं हुए। संगम भाई भी कहीं पर नहीं गए कुछ काम से करने के लिए, कुछ भी करने के लिए वो लोग कहीं पे गए नहीं। तो नितिन भाई आज मैंने बुला लिया, क्योंकि कल मैं घर आ चुका था और मैंने कल की वीडियो भी नहीं आने की, नहीं की कोई बात नहीं, उसको ऐसे ही डाल देता हूँ, आज एडिट करके डालनी है वो भी। लेकिन अभी हम लोग कैथल के लिए निकले हैं, कुछ सामान है जो कि बुक करा के आने हैं, कुछ सामान है जो बुक नहीं हुए हैं हमारे, कुछ चीज़ें हैं जो नहीं मिल रही हैं, क्योंकि गर्मियों के गर्मियों में वो चीज़ें नहीं मिलती जो सर्दियों में मिल जाती हैं। तो अभी उन सबको सर्कुलेट करना है, सब चीज़ें ढूंढनी है और हमको लेनी है, वो ज़रूरत है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो जुगाड़ लगेगा ही। और संगम भाई भी आ चुके हैं, बाहर हैं, तो अभी चलते हैं हम सीधा कैथल के लिए। अपना चश्मा उठा लिया, हम जा रहे हैं बाइक से, गर्मी ज़्यादा है तो हम कपड़ा भी ले लेते हैं एक साथ में और पानी की बोतल भी। जाने से पहले बहुत सारे काम थे जो करने थे, मैंने तो बैग वैग टांग लिया, मेरे ना मशीन में कपड़े पड़े हुए थे, उनको ड्रायर करना था वो भी नहीं किया। और ये देखो संगम भाई कैसे बैठे हैं, ऐसे बैठे हैं जैसे अभी तूड़ी गिर गए। ये क्या बांध ली? हाँ सही है भाई, सेफ्टी फर्स्ट है भाई, शादी है भाई की। कह रहा मैं काला हो जाऊंगा, मैं कहा अब कौन सा छोड़ के दिली जाएगी तेरे को, अब तो छोड़ के नहीं जाने वाली, अब तो तुम्हारे साथ ही रहेगी भाई। गर्मी इतनी है क्या करें, जाना पड़ रहा है बस, ऐसा हो रहा है। मेरा मन नहीं है बिल्कुल भी अभी जाने का, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है भाई। और मेरे को पता नहीं क्यों परेशानी हो रही है, मेरे को ना दो तीन दिन से कुछ ज़्यादा ही गर्मी लग रही है। कल रात थोड़ी सी बारिश हुई थी, लोग कह रहे थे ठीक है अभी मौसम, लेकिन मेरे को बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। हो जाता है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीज़ें होती रहती हैं। अब देखते हैं गली में क्या आ गया भाई। ओ भाई देखो उस बंदे को देखो, गली में दो बाइकें खड़ी हैं और फिर भी वो लेके आ रहा है, और गली में जगह नहीं है इतना लेके आने की। हम आज के फर्स्ट शॉपिंग पॉइंट पे और संगम भाई के लिए देख रहे हैं आप शूज़, स्पोर्ट्स शूज़ लेने हैं, उन्होंने 4 महीने तो ले लिए थे। शूज़ की पसंद होती है हमेशा नितिन भाई की, बढ़िया वाली, लेकिन इनके शूज़ मैंने पसंद किए थे ये अपने लिए नहीं, मतलब दूसरों की पसंद करवा देते हैं शूज़। और संगम भाई अपनी गर्लफ्रेंड से पूछ रहे हैं कैसे शूज़ लूँ, अब वो बताएं, समझ रहे हो वो बताएगी फिर ये लेगा। सही है भाई, अर्धांगनी को, हाँ अब तो अर्धांगनी है। पांचवी बार हमको इस शोरूम में लेकर आया और आज भी इसको शूज़ नहीं पसंद आ रहे और घूम रहा है इधर उधर, पता नहीं यार आते क्यों फिर क्या। ये वाला, ये तो वैसे उठा रखा था मैंने, पसंद थोड़ी है तेरे, पसंद था तभी तो उठाया था। हाँ यार मेरे को ये वाले शूज़ पसंद आए हैं जो ये हैं, और दूसरे नंबर पर ये वाले, मेरे को दोनों शूज़ पसंद हैं। अब इनमें से लेगा कौन सा फिर बताऊँगा इसको कारण क्या था, एक दिन ये मान जाएगा मेरी बात को उसके बाद बताऊँगा। जूते में वेट ही नहीं है इसमें भाई, लेकिन ऊपर नेट इतना गंदा है इसमें, नेट भाई, नेट पे ट्रांसपेरेंट है देख, इस कारण से इसमें वेट नहीं है, ठीक है। लेकिन मेरे को ये वाला शूज दी बेस्ट लग रहा है, दी बेस्ट, और सेकंड नंबर पे ये वाला, एक और वाइट वाला, वाइट वाला तो मेरे 4th-5th नंबर पे है। अभी ये वाले शूज जो मैंने दिए है ना, ये वाला मुझे गॉर्जियस लग रहा है, और ये जो हाथ में झूला रहे हैं ये वाला भी लगा। नितिन भाई से निकल ट्राई कर रहे हैं, जो मैंने तरुण भाई को भेजा था सेम वही। कौन सा जूता फट जाएगा, कैसे, उधर जा, पीछे जा, पीछे पीछे उधर, और पीछे जा, और पीछे, अब बता कैसे फट जाएगा। हाँ क्या चीज़ है, हाँ तो ये तो सब में भाई, आज नहीं, सब में नहीं भाई, सब में आती है भाई, आजकल ट्रेंड इसी चीज़ का भाई। तो ये संगम भाई देख लो कैसे कैसे काम करते हैं, 1 महीना में इन्होंने 12-13 शूज़ लिए हैं, सॉरी 1 साल में इन्होंने 12-13 जोड़ी जूते के लिए हैं। इतने शूज़ लेते हैं और इतने शूज़ लेने के बाद फिर उनको फेंक देते हैं। आप कह रहे हैं वुडलैंड का ले लूँ, फिर फेंक के दिखाना एक बार, लेके दिखाऊँ। ये वाला शूज़ मुझे पहले ही पसंद था, ये दोनों शूज़ मुझे पसंद थे और ये अच्छा भी लग रहा है भाई। इसका जो कर्व आया ना साइड का, पैर के एंकल का, वो बढ़िया आ रहा है, सीधा कर,
वो वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है भाई, ये वाला, ये वाला ज़्यादा अच्छा है, ये कलर भी अच्छा है, ये देखते हैं कितने का है, मैं भी ले लूँगा एक। ओ भाई मैंने टी शर्ट पसंद की थी और नितिन भैया ने मेरे कहने से किया ट्राई, बढ़िया लग रही है भाई, जाके देखा अंदर शीशे में, दिखाई उधर से, हाँ यार बढ़िया लग रही है भाई टी शर्ट, अच्छी लग रही है भाई, नाइस, ये मैंने पसंद की थी भाई। इस पर ना हल्का हल्का डिज़ाइन था और इसका कलर भी अच्छा था, डिज़ाइन बिल्कुल लाइट है, और ये एम साइज़ ले रहे थे तो मैंने बोला कि एल लो, थोड़ी सी लूज़ लूज़ ना टी शर्ट अच्छी लगती है, तो अब इनके ऊपर अच्छी लगती है, और एम साइज़ इनको पूरा पूरा फिट आता है, फिर वो इतना मस्त नहीं लगता। सीधा यूज़र की तरफ, मेरी तरफ, बढ़िया। फाइनली हमने शूज़ ले लिए, भाई ने बिल कर ही दिया, बादशाह ने आज ले ही लिया शूज़, कि कैसा लग रहा, 3 महीने चक्कर मरवाने के बाद एक शूज़ लेके प्राउड फील हो रहा होगा, हमें तो थका थका सा फील हो रहा है भैया, 3 महीनों में एक शूज़ लिया भाई ने घूम घूम के। अभी फूल लेने हैं, है एक बंदा, मैं दिखाता हूँ तेरे को कौन सा, चल 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 भाई, फूलों वाला काम भी हो गया, फूल की कुछ फूल की रिक्वायरमेंट थी वो सब हमने बुक कर दिए हैं, बुक भी क्या कर दिए, व्हाट्सएप नंबर से होएंगे बुक, पसंद करने पड़ेंगे, वो मेरे को फोटो भेज देंगे सब चीज़ों की, फिर उसके बाद हम बुक करके ले लेंगे। अभी संगम भाई रेडी हो चुके हैं वापस जाने के लिए, लेकिन उससे पहले नितिन भाई को कुछ काम है वो भी कर लेते हैं, आ गए हैं तो सारे काम करने ही पड़ेंगे। में हो रही है ज़बरदस्त वाली बारिश और हम रुके हैं इस पेड़ के नीचे, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो गई थी, हमने सोचा धीरे धीरे रुक जाएगी बारिश, फुल तेज भी नहीं, मतलब ठीक है बाइक पे चलेंगे तो पूरे भीग जाएंगे, इतनी बारिश तो है। जब घर से चले थे ना इतनी तेज गर्मी थी, तो अब ना बारिश पूरी तेज होगी, और तेज होगी ना बारिश, तेज होगी भाई बारिश, बढ़िया वाली बारिश। लेकिन हमको पेड़ एक नंबर का मिला भाई साहब, पेड़ देखो आप कितना गजब है, संगम भाई इस पेड़ के पीछे खड़े हैं लेकिन दिख नहीं रहे हो, देखो इतना गजब पेड़ है, इसके नीचे पानी आएगा ही नहीं, हल्की फुल्की बारिश में तो आएगा ही नहीं, अगर बारिश बहुत ही ज़्यादा तेज होगी तो आएगा। ऊपर देखो बादल नहीं है भाई, कमाल की बात तो है, ऊपर बादल नहीं है, देखो इधर साइड बादल नहीं है, बस ये बादल है इधर साइड में, और इधर साइड कोई बादल नहीं है, बिल्कुल क्लीन वेदर है, फिर भी बारिश हो रही है, ये वाले बादल बारिश कर रहे होंगे फिर, क्योंकि और तो बादल है ही नहीं। और बच्चों की मस्ती देखो, बच्चों की मस्ती, बच्चे मस्त, सड़क का पानी भाई साहब मस्त नहा रहे हैं बच्चे, बारिश का पूरा फायदा बचपन में उठाया जाता है, दोनों तो कपड़े भी डाल रखे थे कुछ भी, अभी थोड़ी देर पहले कूद रहे थे पानी में बड़े मस्त, अब तो पैर पैर मार रहे हैं। ग्यारह बारिश का मौसम गया तो चाय भी होनी चाहिए, इसलिए हमने बनवा लिया चाय, नितिन भाई भी पियेंगे आज तो, भाई मेरा कपड़ा है खराब मत करो प्लीज़, रिक्वेस्ट आपसे, आप वैसे सम्मान सम्मान के साथ वहीं पर रख दो इसको, थैंक यू भाई, चाय आ गई अपनी, संगम भाई चीयर्स चीयर्स। ओ भाई पानी की बूंद गिरी है अभी चाय में, भाई नितिन वाओ अकेले अकेले पिए जा रहे हैं, लगभग बारिश रुक चुकी है और हम निकल रहे हैं घर के लिए, क्योंकि जल्दी जल्दी घर पहुंच जाएंगे ना, बढ़िया। और आंटी के पास हमने पी ली चाय, और संगम भाई तो पूरे भीग चुके हैं, अब इनके पीछे बैठना पड़ेगा। यहाँ पर बढ़िया मौसम और चाय की जूस के साथ हमने कर लिया एक ट्रैवल प्लान, वो मेरा नहीं है, संगम भाई अकेले जाएंगे, अपनी वाइफ के साथ जाएंगे, तो वो ट्रैवल प्लान हो चुका है फिक्स, लगभग फिक्स है, अगर संगम भाई ने मना नहीं किया तो वो लगभग पक्का ही है, हाँ वैसे मना नहीं करेगा, इसको भी जाना ही है, जाना ही चाहिए, तो फिर वो प्लान हमने कर लिया। यहाँ पर आधा एक घंटा खड़े रहे हम, क्योंकि बारिश रुकी ही नहीं थी, अब बारिश रुक चुकी है तो हम जा रहे हैं घर पे, अभी भी पूरी तरह से बारिश नहीं रुकी है, हल्की हल्की बूंदे गिरी रहे हैं, हल्की हल्की है बस, अब अकेले आया जा रहा है, अकेले अकेले, मेरी जो दबी दबी आएगी, कुछ भी नहीं है कुछ भी नहीं है, अकेले अकेले खा रहा भाई, ना ना बस अंदर, तू नकली बंदा है, ये चुप है, तेरे साथ कोई प्यार नहीं, ये तो मेरा है, ये तो मेरा है, तो छोड़ दे भाई, टेढ़ा मेढ़ा भाई, टेढ़ा है तो ये मेरा, और पैटी भी करवा ली हमने, बस स्वीट कॉर्न, स्वीट कॉर्न पैटी भाई। एक नई सुबह की शुरुआत के साथ आप सबका गुड मॉर्निंग, और सुबह के बज चुके हैं 7, और आज का मौसम थोड़ा सा अच्छा सा लग रहा है मुझे, तो भाई हम लोग निकले हैं अभी अभी जिम के लिए, और संगम भैया तो काफ़ी दिन के बाद जिम जा रहे हैं, ये जाते ही नहीं जिम में, कल गया तो था भाई, क्या कल गया तो था, हाँ कल गए थे, लेकिन ये क्या ये बना के लेके ना अपना शेकर में, एक दिन गए एक्सरसाइज की नहीं है, पी के आराम से वहाँ बैठ के कह रहे चलो चलते हैं भाई साहब, इसने ऐसा काम कर रखा है, कई बार तो मेरे को अकेले को आना पड़ता है, ये आता ही नहीं,
बस इसका ऐसा ही सिस्टम चल रहा है आजकल, कभी आ जाता है कभी नहीं, क्योंकि शादी की एक्चुअली शॉपिंग वॉपिंग लगे हुए हैं ना, तो शॉपिंग के चक्कर में आ नहीं पाता ज़्यादातर, और शॉपिंग भी ना हो फिर भी नहीं आता इसको, शौक इतना हो गया शादी का अपनी। मैं कहता रहा हूँ कि शेकर पी के शेकर बना के जिम में आके बैठ के चला गया वापिस, ऐसे काम करता है। अरे कुछ नहीं काम होता भाई, छोटे मोटे कोई काम नहीं है इसको कोई भी। लेकिन आज इतना बढ़िया मौसम है ना, लेकिन गर्मी भयंकर है और बारिश भी नहीं होगी, वेदर तो दिखा नहीं रहा बारिश होगी, पता नहीं क्या होगा। लेकिन इस भाई को देख लो आप, ये खतरनाक वाला है, हम किसी के पीछे नहीं आएंगे। भाई की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, आपने अब डांस सीख रहा है भाई तो। हाँ सच्ची भाई, हमारी भाभी ने डांस की प्रैक्टिस कर रही है, आए के डांस होगा, डांस करेंगे किस पे, यूट्यूब पे। हाँ शादी की वीडियो बनाएंगे ना, उसमें डाल देंगे थोड़ा सा, लेकिन डांस की प्रैक्टिस कर रही है अगर उसने किया तो। क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है कि शादियों में करते हैं प्लानिंग बहुत कुछ है, हो कुछ नहीं पाता क्योंकि टाइम ही नहीं होता उस टाइम पे, भाग भाग के सब काम होते हैं तो कुछ नहीं हो पाता फिर। नीचे बहुत गर्मी है जिम में, एसी भी काम नहीं कर रहे ठीक से, तो हम लोग छत पे आ चुके हैं। छत से ओवरव्यू दूँ आपको, ये देखो भाई इधर साइड में पूरा शहर दिखता है उधर तक, और हमारे तो भाई साहब ट्रेनर भी साथ में आ गए ऊपर, और ये देखो इस लड़के को, भाई को ऊपर लेके आ गए। मैं चलो ऊपर चलते हैं, बहुत गर्मी है यार, ऊपर ही करेंगे एक्सरसाइज जो करनी है। वैसे यार खुला बहुत है जिम के ऊपर, तो एक्सरसाइज कर सकते हैं, एसी वैसी कुछ काम नहीं कर रहे आज, नकली है एसी, पता नहीं क्या हो गया इनको। तो हर रोज तो कर देते थे कूलिंग, आज तो पूरी गर्मी कर रखी है इन्होंने भी अंदर, कुछ ना गेट खोल देते हैं ना जिम के, जो और बच्चे आते हैं वो गेट खोल देते हैं तो गर्मी हो जाती है बहुत ज़्यादा। और इधर साइड में दिख रही है मंडी, और यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं क्रिकेट, लाइव मैच चला हुआ क्रिकेट का, लड़ाई होगी उनकी, तीन बॉल हुई है, वो कह रहा कि चार हो चुके हैं, और खेलने वाला कह रहा कि अभी तक बस तीन ही बॉल हुई है, लड़ाई होगी, गेम रुक गया। वाह वाह वाह, वो देखो देखो, हाँ होगी शुरू होगी, मान गया चार होगी। चलो गेम शुरू, ये शॉट सही है भाई, ऐसे भी टाइम हुआ करते थे पहले, हम ना खेलने आते थे इस साइड नहीं, वो जहाँ पे वो मक्का सुखा रहा है ना, वो वहाँ पे हम लोग वहाँ पे खेलने आया करते थे क्रिकेट, उस वाली जगह पे जब छोटे होते थे, मतलब पवन भाई, हम, कपिल, तरुण, ये तो नहीं कभी आया हमारे संग, हम तो टंकी का तो जुगाड़ बढ़िया है, इसके ऊपर वो इंसुलिन बांध रखा है इन्होंने, दिखाऊंगा आपको अभी, ये देखो ये बांधा हुआ है इन्होंने टंकी के ऊपर, एक वो नहीं आता है चमकीला सा कुछ, तो इससे ना पानी नहीं गर्म होता टंकी का, और 300-400 रुपये का आता हुआ ये लपेट दिया ऊपर, बंदर ना लगे इसलिए तार बांध दी, ताकि बस बंदर ना आए और पानी गर्म भी ना आए, बढ़िया जुगाड़ है एकदम। बादल तो मस्त वाले हो रखे हैं, बारिश हो जाए तो मज़ा आ जाए यार। एक्सरसाइज करके हम आ चुके हैं बाहर, हम जाने की सोच रहे हैं मंडी में, और एक्चुअली थोड़ी ना बारिश हुई है, देखो सड़कें पूरी गीली हैं, और अच्छा वेदर हो गया बारिश के बाद, लेकिन उमस सी बन गया पता नहीं कैसे, मतलब ह्यूमिडिटी सी हो गई है ज़्यादा, गर्मी सी ज़्यादा लग रही है। अभी हम एक्सरसाइज करके जस्ट बाहर निकले हैं, और बाद हमारी जिम वाली जो मैडम है, जिनके ओनर हैं, जो उनका बर्थडे, तो उनको हैप्पी बर्थडे, मेरी वीडियो देखनी है आज से, आज ही चैनल सब्सक्राइब करवाया उनसे, तो आज ही से वीडियो देखते हैं, तो उनका हैप्पी बर्थडे भाई। ये बंदा है ना, ये बंदा बहुत नकली है, तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि अब जाते हैं आज, ये डेली ना ये आता था जिम में और ये पी के चला जाता था पूरा, आज लास्ट में मैंने एक्सरसाइज की और मैं सारा पी गया इसका आराम से बैठ के, क्योंकि हम काफ़ी टाइम ऊपर बैठे रहे ना, बारिश हो रही थी, तो मैं पूरा पी गया इसका बैठे बैठे। कोई बात नहीं, अभी मंडी में चलते हैं और मंडी से लेके आते हैं थोड़ा सामान, उसके बाद जाएंगे घर। मौसमी का कट्टा, मौसमी का वो बताना है, जो घर पे जाके तुझे खाना बनाना, उसका सामान भी तो लेके आना है। कौन सा खाना बनाना है भाई मेरे को? प्याज आलू वगैरह? नहीं नहीं, आलू प्याज की जरूरत नहीं, आलू प्याज हमारे घर पे बहुत पड़े हैं, और नहीं भी है तो संगम भाई के इधर से ले जाएंगे उठा के, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चटनी भी बनी है, आलू के पराठे भी बने होंगे, लेकिन मैं खाता नहीं, मैंने सब कुछ, नहीं नहीं मैंने सब चीज़ें छोड़ी हुई हैं भाई, मैं कुछ नहीं खाता, नो ऑयल फूड भाई खाता है सब कुछ, भाई की शादी है ना, क्यों नहीं खाता? कल बर्गर नहीं खाया था मैंने, हाँ कल बर्गर खाया था भाई इसने पूरा, इतने बड़े पेट में इतना सा बर्गर क्या करेगा यार, बहुत कुछ कर देता है भैया जी, बहुत कुछ दिखा रहा है क्या लिखा हुआ इसने? जिम इज माय सेकंड होम, ओहो जिम इज माय सेकंड होम, और टी शर्ट नहीं उतारता वहाँ जाके कभी भी, अंदर डाला हुआ है जैसे वो कपिल शर्मा शो में नहीं आता है, वो टी शर्ट उतारता कह रहा है मेरा लव, ऐसे जिम इज माय सेकंड होम, जिम में आया 10 दिन के बाद है वो भी रसना पीने के लिए।
अपने रसना पी और घर चला जाता है भाई साहब 10 दिन जिम इज माई सेकंड होम। हाँ ये तो है, हाँ कंपनी अच्छी है लेकिन मेरे को जिस दिन चेस्ट की होती है ना एक्सरसाइज उस दिन इसकी जरूरत पड़ती है। वैसे तो मुझे ये वेस्ट ही लगता है बंदा है, लेग वाले दिन तो सब छुट्टी मारते हैं भाई। परसों लेग है, कल तो शोल्डर है, परसों लेग है तो परसों तो छुट्टी है। वैसे भी तेरी शादी है भाई, अब तो छुट्टी छुट्टी है, मैं भी तो छुट्टी करनी, मुझे भी छुट्टी करनी पड़ेगी। लेग की तो मैं भी निकलने वाला भाई साहब, तेरी शादी में जाएंगे ना ऐसे टेढ़े टेढ़े चलेंगे, टांगे दुखेंगी बहुत ज्यादा, तो इसलिए भाई लेग डे की छुट्टी। बारिश रुक चुकी है और हम निकल चुके हैं घर के लिए वापस, लेकिन वेदर बढ़िया हो गया, बारिश हो गई, क्लीन क्लीन सा वेदर हो गया। बीच में रस्सी काहे की डाल रखी है वे रस रोड के बीच में, हाँ वो लाइन ये सड़क नहीं बनी है ना तो इसके ऊपर वाइट कलर की पट्टी लगा रहे होंगे। सही है,